अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का कल रात 10:30 बजे श्रीनगर में निधन हो गया, जिसके चलते संपूर्ण कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 28। सैयद अली शाह गिलानी एक अलगाववादी नेता थे। अलगाववादी नेता से तात्पर्य जब किसी देश को अलग करने की विचारधारा किसी नेता के द्वारा रखी जाती है तब उसे अलगाववादी नेता कहते हैं। गिलानी हमेशा भारत और कश्मीर को लेकर विवादों का कारण बने रहते थे। गिलानी चाहते थे कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए और एक स्वतंत्र देश बन जाए। सैयद अली शाह गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बारामूला जिले में हुआ था। शाह गिलानी पहले तो कश्मीर के इस्लामी जमात के सदस्य थे, बाद में उन्होंने तहरीक हुर्रियत पार्टी का गठन किया। मैं आपको बता दूं, शाह गिलानी 3 बार सोपोर क्षेत्र से निर्वाचन विधायक रह चुके थे। मोहम्मद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से भी नवाजा गया था। आज सुबह गिलानी के निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर के जरिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने गिलानी के निधन पर शोक जताया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि मैं गिलानी साहब के निधन की खबर से दुखी हूं। हम ज्यादातर बातों पर सहमत नहीं हो सकते थे, लेकिन मैं उनकी दृढ़ता और उनके विश्वासों के साथ खड़े होने के लिए उनका सम्मान करती हूं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। गिलानी के निधन की खबर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। आगे भी नई घटनाओं को जानने के लिए जुड़ रही है न्यूज़ 28 से। तब तक के लिए नमस्कार।